दोस्तों, विष्णु देवा यानी कि एक ऐसी फिल्म जिसमें दो भाई बिछड़ जाते हैं। एक ऐसी फिल्म जिन भाइयों के माता पिता को एक संपत नाम का व्यक्ति मार देता है। और फिर ये दोनों भाई ऐसी हालात में मिलते हैं जब हालात बिल्कुल बदल चुके हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं विष्णु देवा के बारे में, जो 8 फरवरी 1991 को रिलीज हुई थी। साथ ही बात करेंगे इसके कलेक्शन के बारे में, साथ ही बात करेंगे इसके बजट के बारे में। तो दोस्तों, अगर हम विष्णु देवा के बजट की बात करें तो तकरीबन 2 करोड़ 60 लाख में फिल्म बनाई गई थी और इसको के पप्पू ने निर्देशित किया था। इसके साथ ही इसका जो कलेक्शन था वो पूरे दुनिया भर में तकरीबन 5 करोड़ 20 लाख रुपए इसका कलेक्शन था। पहले दिन इस फिल्म ने 27 लाख रुपए कमाए थे। उस दरमियान या उस टाइम पे उतनी ज़्यादा स्क्रीन्स नहीं हुआ करती थी, बहुत ही कम स्क्रीन्स पे फिल्में रिलीज हुआ करती थी। अगर हम इसके कास्ट के बारे में बात करें तो सनी देओल, नीलम कोठारी, आदित्य पंचोली, संगीता बिजलानी, कुलभूषण खरबंदा और अरुणा ईरानी जैसे कलाकारों ने इसमें काम किया था। एक औसत दर्जे की बेहतरीन फिल्म उस समय आई थी 1991 में, और 1991 की के साल की 21वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी। साथ में अगर हम इसके म्यूज़िक की बात करें तो इसमें राजेश रोशन ने म्यूजिक दिया था और फिल्म जो है बेहतरीन बनी। साथ में अगर एक रोचक बात आपको और बता दें, इसके बाद मिथुन दा ने भी अर्जुन देवा नाम से एक फिल्म बनाई थी जिसके बारे में हम वीडियो पहले बना चुके हैं। और एक और रोचक बात है, सनी देओल ने अपने किरदार का नाम, फिर जो जिद्दी थी उनके किरदार का नाम भी उस फिल्म में देवा था। तो कुल मिलाकर ये देवा वाला जो किस्सा है ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। बाकी ये दोनों देवा अलग अलग फिल्मों में अलग अलग किरदार में हैं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, वीडियो पूरा देखिए। जय श्री राम।